बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 501 के लेक्चर नंबर 26 और 27 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, चाहे वो डेफिनेशंस हों, थ्योरम की स्टेटमेंट्स हों या फिर एग्जाम्पल्स हों, उनको हम जो पॉइंट आउट करेंगे, उनको हम हाईलाइट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 23, 24 और 25 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हमने हाईलाइट किया था। उस वीडियो का जो लिंक है वो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उसे यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 25 में हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस वी गिवन हो और उसकी बेसिस भी गिवन हो, तो वेक्टर स्पेस V का कोई सा भी अगर हम एलिमेंट लेते हैं तो उस एलिमेंट को बेसिस के अंदर जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म है तो हम लिख सकते हैं। तो उस लीनियर कम्बिनेशन से हम जो B कोऑर्डिनेट ऑफ X होते हैं, मतलब बेसिस B के रेस्पेक्ट से जो X के कोऑर्डिनेट होते हैं, वो कैसे फाइंड करते हैं, वो क्या होते हैं, इस हवाले से हमने डिस्कशन की थी। अगर आप लोगों को इन टॉपिक्स के हवाले से डिटेल डिस्कशन चाहिए तो हमने जो MTH 501 के लिए इम्पॉर्टेंट शार्ट सीरीज ऑफ लेक्चर्स के लिए जो सीरीज़ बनाई है, आप ज़रा उस सीरीज़ को भी जो ना ओपन करके देख लें। उन सीरीज़ के जितने भी लेक्चर्स हैं उन सारे लेक्चर्स के जो लिंक्स हैं वो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें यहाँ से ओपन करें, उनको देखें। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो हमारा जो MTH 501 का व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसको ज्वाइन करें, वहाँ पर क्वेश्चनिंग करें, इंशाल्लाह आपको इंस्टेंटली रिप्लाई दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 26 में हम चेंज ऑफ बेसिस के हवाले से बात करेंगे कि अगर हमारे पास, जिस तरह से एग्जांपल नंबर 1 है, इसको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हमारे पास एक वेक्टर स्पेस V गिवन है और इसकी दो बेसिस गिवन है, B और C। अच्छा, हमारे पास बेसिस B के रेस्पेक्ट से जो X के कोऑर्डिनेट है वो हमें गिवन है 3 और 1। ठीक है, हमने क्या करना है कि इस सारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए बेसिस सी के रेस्पेक्ट से जो एक्स के कोऑर्डिनेट है वो हमें फाइंड करने हैं। सारा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ, इसको आप देख लीजिएगा, आसान सी एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास बी और सी जो है ना वो किसी वैक्टर स्पेस वी की बेसिस हों, देन देर एग्जिस्ट एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स पी। इस पी को हम कैसे रीड करते हैं, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स पी फ्रॉम बी टू सी, सच दैट हमारे पास ये जो देखिए यहाँ पर उसने क्या किया है कि एक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस सी, दिस इज इक्वल टू पी टाइम एक्स के कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर आपने किसी एक बेसिस के रिस्पेक्ट से किसी एलिमेंट के कोऑर्डिनेट लिखे हों तो उसको आप दूसरी बेसिस के जो है ना वो रिस्पेक्ट से जो उस एलिमेंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स P है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द कॉलम्स ऑफ P आर द C कोऑर्डिनेट वेक्टर्स ऑफ द वेक्टर्स इन द बेसिस B। ओके, हमारे पास ये जो B के अंदर वेक्टर्स हैं इनके C कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, तो इनके जो C कोऑर्डिनेट्स होंगे वो P मैट्रिक्स के कॉलम्स होंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बेसिस B है उसके अंदर B1, B2 अप टू BN वेक्टर्स हैं। तो B1 का C कोऑर्डिनेट ये P का पहला कॉलम है, B2 का C कोऑर्डिनेट ये P2 का दूसरा, P का दूसरा कॉलम है, और B3 के जो C कोऑर्डिनेट होंगे वो P मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम होगा, एंड सो ऑन। द मैट्रिक्स P इन द अबव थ्योरम इज कॉल्ड द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स मैट्रिक्स फ्रॉम B टू C। ओके, थ्योरम की स्टेटमेंट को आप अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद इसी यहाँ पर इस फार्मूले में, फार्मूला नंबर 4 में, P को अगर आप लेफ्ट साइड पर लेके आते हो तो यहाँ पर P का इनवर्स बन जाएगा, तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ओके, तो C कोऑर्डिनेट ऑफ X को आप पी जो कि चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम बी टू सी, इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स मिल जाएंगे। ओके, अच्छा आगे मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास चेंज ऑफ बेसिस इन आर एन की बात हो रही है, इसको भी आप रीड कीजिएगा स्टूडेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये, लेकिन इसको आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, इन थ्योरम से रिलेटेड ही है स्टूडेंट। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक डी और एफ दो बेसिस हैं वेक्टर स्पेस वी की, और F1 जो है ना वो हमने ये F1 हमारे पास है। आप फॉर द मोमेंट कंसीडर करें कि सिर्फ F ही वेक्टर स्पेस V की बेसिस है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर सॉरी D वेक्टर स्पेस V की बेसिस है, फॉर द मोमेंट आपने ये कंसीडर करना है। तो हमारे पास ये जो F के एलिमेंट वेक्टर्स हैं F1, F2, F3, इनको हम
इन डी बेसिस के अंदर जो वेक्टर्स है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वो लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन है, f1 इज इक्वल टू 2d1 माइनस d2 प्लस d3, f2 भी हमारे पास जो है ना वो डी बेसिस के अंदर जो वेक्टर्स है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा है, और f3 जो है वो भी डी बेसिस के अंदर जो वेक्टर्स है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे हैं। हमने पार्ट नंबर 1 में क्या फाइंड करना है, फाइंड द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स मैट्रिक्स फ्रॉम एफ टू डी। आपने एक मैट्रिक्स पी फाइंड करना है फ्रॉम एफ टू डी। ओके, ऊपर फार्मूला गिवन है स्टूडेंट, ये नीचे से लिख भी दी है। हमारे पास पी जो मैट्रिक्स है उसका जो पहला कॉलम होगा वो f1 के विद रिस्पेक्ट टू डी कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर f1 गिवन है, इसके विद रिस्पेक्ट टू डी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2, -1 और 1। आप देख सकते हैं ये पहला कॉलम है 2, -1 और 1, सिमिलरली दूसरा और तीसरा, तो आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 भी स्टूडेंट ऐसे ही है, आसान सी एग्जाम्पल है, इसको एक दो एग्जाम्पल्स आप सही तरह से जो है ना वो लिख के कर लें ताकि आपको चीज़ों का आइडिया हो जाए। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा, ये भी ऐसे ही है। एग्जाम्पल नंबर 5, इन सारी एग्जाम्पल में से आप देखें एग्जाम्पल नंबर 5 में भी हमारे पास ये b1, b2, c1, c2 गिवन है, एंड कंसीडर द बेसिस फॉर r2 गिवन बाय b और c, दो बेसिस गिवन है। आपने चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम c टू b फाइंड करना है, और उसके बाद चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स मैट्रिक्स फ्रॉम b टू c फाइंड करना है। सारे तरीका जो है ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ है वैसे ही तरीका है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 को आप बेशक छोड़ दें क्योंकि ऊपर भी हमने एग्जाम्पल करनी है इस तरह की। ओके, एक्सरसाइज नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट लेक्चर नंबर 27 है। लेक्चर नंबर 27 जो है ना वो एप्लीकेशन टू डिफरेंट एक्वेशन से रिलेटेड है। हमने जो है ना वो डिटेल के साथ अपने जो इंपॉर्टेंट शार्ट सीरीज ऑफ लेक्चर की सीरीज थी उसमें डिस्कस किया था। इसमें आपको सबसे पहले तो डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने चीज़ें हाईलाइट की हैं, आप कैंडिंग को एक नज़र देख लीजिएगा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। जैसे ये चीज़ें डिजिटल सिग्नल्स ऑब्वियसली अराइज इन इलेक्ट्रिकल एंड कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, बट डिस्क्रीट डाटा सिक्वेंसेज आर आल्सो जनरेटेड इन बायोलॉजी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी एंड मैनी अदर एरियाज। ये सारी चीज़ें जो है ना आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि मैंने क्विज नंबर 1, क्विज नंबर 2 और क्विज नंबर 3 के बहुत सारे सेट्स में वेरीफाई करने के बाद, आप बेशक मेरे चैनल को विजिट करें, मैंने क्विज नंबर 3 के 21 सेट्स का वेरीफायर सेशन अपने चैनल पे अपलोड किया है। उन सारी वीडियोस के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बताने का मकसद ये है कि मैंने बहुत सारे सेट्स आप लोगों के लिए वेरीफाई किए हैं, तो मुझे चीज़ों का आइडिया है कि कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट की हैं। नीचे डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंस इन द स्पेस एस सब सिग्नल्स, ये क्या होता है, ठीक है, हमारे पास इसको आप देख लीजिएगा। टू सिंप्लीफाई नोटेशन वी कंसीडर अ सेट ऑफ ओनली 3 सिग्नल्स, ठीक है, हम जो है ना वो कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सिर्फ 3 सिग्नल लेते हैं, UK, VK एंड WK। दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रिसाइजली व्हेन द इक्वेशन, जब आपके पास ये जो इक्वेशन है इसमें C1, C2, C3 जीरो हो। ये वैसे ही है जैसे कि हमारे पास वेक्टर्स का केस हमने देखा था कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हों तो क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो हमने देखा था कि वहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है, तो हमने देखा था कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है इसमें जो वेट्स अगर ये सारे जीरो हो जाए तो हमारे पास वो जो वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर कोई एक भी वेट जो है ना वो नॉन जीरो आए तो उस केस में जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वेक्टर्स का वो डिपेंडेंट होगा। ओके, इस सारी चीज़ को हमने देखा हुआ है, इस डेफिनेशन को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये जो हमारे पास इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, इसको आप k के लिए k+1 के लिए और k+2 के लिए लिखें, ठीक है, लिखने के बाद उसको जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाली फॉर्म बनेगी। ये जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है सिग्नल्स का, इसको हम क्या कहते हैं, कैसोरेटी मैट्रिक्स, ठीक है, और इसका जो डिटर्मिनेंट है उसको हम क्या कहते हैं, कैसोरेटियन ऑफ UK, VK एंड WK। ये छोटी छोटी जो टर्म्स हैं आपसे पूछी जा सकती हैं। ओके, आगे मूव करते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास ये 3 सिग्नल्स हैं, 1 to raise power k, -2 to raise power k, 3 to raise power k आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सिग्नल्स। तो ये कैसोरेटी मैट्रिक्स आपने बनाया स्टूडेंट, आपने k की किसी एक वैल्यू के लिए इसको चेक कर लेना है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ठीक है। अगर एक वैल्यू के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है तो बाकियों के लिए भी वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पर k इज इक्वल टू 0 के लिए उसने चेक किया है क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो यहाँ पर उसने जो है ना k की वैल्यू 0 पुट किया है सारे के अंदर, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको जो है ना एचलन फॉर्म में लेके गया है और यहाँ से उसने बता दिया है द कैसोरेटी मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल फॉर k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उस वजह से ये जो 3 सिग्नल्स होंगे 1 to raise power k, -2 to raise power k एंड 3 to raise power k, ये हमारे पास होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। ओके, आगे मूव करते हैं स्टूडेंट।
नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। इसमें तीन सिग्नल्स गिवन है और आपने चेक करना है कि वेरीफाई करना है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सिग्नल्स हैं कि नहीं। बिल्कुल इसी एग्जांपल की तरह आपने करना है, एग्जांपल नंबर टू की तरह स्टूडेंट इसका कैसोरेटी मैट्रिक्स बनाना है। उसके बाद के की किसी एक वैल्यू के लिए आपने इसको चेक कर लेना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। उसके बाद लीनियर डिफरेंस इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी है, ये जो इक्वेशन है इसको हम लीनियर डिफरेंस इक्वेशन कहते हैं स्टूडेंट। ये होमोजीनियस कब होगी, नॉन होमोजीनियस कब होगी, यहाँ पर सारा लिखा है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है ना डिफरेंस इक्वेशन की दो डेफिनेशंस हैं, इन दोनों को आप देख लें, ठीक है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर फोर है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको आप देख लीजिएगा। सॉल्यूशंस ऑफ अ होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन ऑफन हैव द फॉर्म, इस तरह की फॉर्म होती है, ठीक है ना। इस एग्जांपल के अंदर ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है स्टूडेंट कि हमारे पास जो होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन होती है उसका जो सॉल्यूशन होता है उसकी फॉर्म क्या होती है, वो इस तरह का फॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट्स को आप छोड़ दें, बेशक थ्योरम की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इफ जेड के इज गिवन द इक्वेशन, हमारे पास ये जेड के गिवन हो सकता है आपके पास। मैंने एक सेट सॉल्व किया था जिसमें जेड के गिवन था और के किसी एक वैल्यू के लिए आपसे जेड की वैल्यू पूछी गई थी, जेड नॉट की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, मुझे याद आ गया, ठीक है। तो के इज इक्वल टू जीरो पुट करें, उसके बाद सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आपको इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाय द वे ये थ्योरम की स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, और थ्योरम में वो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास इस तरह का सिनेरियो हो कि ए एन जो है ना वो डज नॉट इक्वल टू जीरो हो और जेड के गिवन हो, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट इसको भी आप देख लीजिएगा, द सेट एच ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ एन ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल डिफरेंस इक्वेशन, हमारे पास इस तरह की, ठीक है, इज एन एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर फाइव जो है वो इसी से रिलेटेड है स्टूडेंट, इसको आप देख लें, आसान सी एग्जाम्पल है, फाइंड अ बेसिस फॉर द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। इसकी आपने जो है सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस जो होंगे उसकी बेसिस फाइंड करनी है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस किस फॉर्म में होती हैं, वो इस फॉर्म में होती हैं, ये आपको जनरल फॉर्म आनी चाहिए स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर सिक्स में हमारे पास एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, फाइंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, ये मैंने समझाया हुआ है, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आती तो हमारा जो एम टी एच 501 का लेक्चर नंबर 27 उसको ओपन करके देखें, उन सारी वीडियोस के जो लिंक्स हैं, सारे लेक्चर्स के जो लिंक्स हैं, वो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, ओके। उसके बाद रिडक्शन टू सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस, अगर आपके पास बड़े ऑर्डर की इक्वेशंस गिवन हो, ठीक है, सिग्नल्स की, तो आप उसको फर्स्ट ऑर्डर में भी रिड्यूस कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इस हवाले से यहाँ पे एग्जांपल नंबर 7 है, इसको आप देखें इसने कैसे इसको रिड्यूस किया है, ओके। एग्जांपल नंबर 8 को बेशक आप छोड़ दें स्टूडेंट, उसके बाद एक्सरसाइज है, इसमें आप देखें एक्सरसाइज में वेरीफाई दैट द सिग्नल्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2 आर सॉल्यूशन, अच्छा हमारे पास ये एक्सरसाइज 1 और 2 है, इसके अंदर सिग्नल्स गिवन है और हमने चेक करना है कि ये जो डिफरेंस इक्वेशंस हैं क्या ये सिग्नल्स इन डिफरेंस इक्वेशंस के सॉल्यूशन हैं कि नहीं। वैसे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर जो चीज़ें उनको डिटेल के साथ अंडरस्टैंड कर लें ताकि आपको एक्सरसाइज की जरूरत ही ना पड़े, ओके स्टूडेंट। ये आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, इससे जो अगले लेक्चर्स हैं लेक्चर नंबर 28 से लेके लेक्चर नंबर 37 तक, उस हवाले से मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है ना वो हाईलाइट किया था, इनफैक्ट वहाँ पर मैंने चीज़ों को ना वो सही डिटेल के साथ में एक्सप्लेन भी की थी, आप ज़रा उस वीडियो को भी देख लें। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो लेक्चर नंबर 38 से ऑनवर्ड जो चीज़ें हैं 38, 39 उसके बाद 40 एंड सो ऑन, इन लेक्चर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं हाईलाइट करूँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।